आदिवासी दिवस के मौके पर सभी आदिवासी एकजुट होते हैं और वहीं ये भी पैगाम देने का काम करते हैं कि किस तरह से आदिवासी जो है सदियों से जल जंगल जमीन की रक्षा करता चला आ रहा है। और वहीं ये लोग ये भी संकेत देते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे और नदी तालाब पानी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं हम आपको बताएंगे कि इस बार कुछ अलग और कुछ खास भी किया गया है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर। लेकिन मैं वहीं बता दूं कि दूसरी ओर ये जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और ये जो रैली निकली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ काफी ज्यादा खुशहाली जो है वो देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे विश्व आदिवासी दिवस मना रही, कैसा लग रहा है फिर से? बहुत खुशी, बहुत खुशी हो रहा है। क्या संकेत देता है विश्व आदिवासी दिवस? प्रेम और एकता का। प्रेम और एकता का, जल जंगल जमीन भी बचाओ की बात करती है आदिवासी और शुरू से जल जंगल जमीन की सम्मान भी करती आ रही है। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, बस हम आज खुश हैं, अपना उत्सव मना रहे हैं आदिवासी होने का। आदिवासी होने का उत्सव जो है आदिवासी समाज के लोग वो मनाते नजर आ रहे हैं। वही हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उद्देश्य होता है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का। हाँ, अपने अधिकारों की रक्षा जी, और लोगों को जागरूक करना कि मेरे जागरूक क्या करते हैं लोगों को आप? अपने अधिकार के लिए लड़े आदिवासी, अधिकतर महिलाएं अशिक्षित होती हैं, अब तो सब शिक्षित हो रही हैं, लेकिन उनको जागरूक करना है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपना हक लेना है। बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं उसके बारे में नहीं जानती है और अपने अधिकार भी नहीं ले पाती हैं, उनके लिए हम लोग जागरूकता लाने। आप लोग पूरा पौधा लेकर घूम रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को पौधे के माध्यम? जीवन नहीं, प्रेम का संदेश, और जंगल ही हम लोग का जीवन है। जंगल ही हम लोगों का जीवन है। हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। हम गर्व से कहते हैं हम आदिवासी, एकदम हम गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं और एक दूसरे से प्रेम की भावना बनाए रखने चाहते हैं। आजकल जल जंगल जमीन की बचाव की तो बात हो रही है, लेकिन उतना ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से जमीन की लूटपाट चल रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इस तरह से आदिवासी समाज किस तरह से इसकी रखवाली करेगा, जैसे सदियों से करता आ रहा है उसकी रखवाली, लेकिन अब किस तरह से बचाएगा? हम लोग आदिवासी सब जागरूक होके इस चीज के लिए रखवाली करेंगे। किस तरह से बचाएगा? सब जागरूक होकर मेल प्रेम के साथ आगे बढ़। इस तरह से आदिवासी समाज किस तरह से इसकी रखवाली करेगा, जैसे सदियों से करता आ रहा है उसकी रखवाली, लेकिन अब किस तरह से बचाएगा? हम लोग आदिवासी सब जागरूक होकर इस चीज के लिए रखवाली करेंगे। किस तरह से बचाइएगा? सब जागरूक होकर मेल प्रेम के साथ आगे बढ़कर इस चीज के लिए हम लोग जागरूक करेंगे। पौधा रोपण का कार्यक्रम भी आप लोगों का रखा गया था कुछ? हाँ, रखा गया था। नहीं, तो वितरण हुआ है, वितरण हुआ है कि सब एक एक पौधा ले जाएं अपने घर में लगाएं। अपने घर में लगाएं? हाँ हाँ हाँ। तो पौधा लगाना कितना जरूरी होता है वो आप देख सकते हैं कि सभी को अपने अपने एक हाथ में अलग अलग पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को क्या संकेत देता है? आदिवासी एकता का संदेश देता है। सबसे पहला, आदिवासी हम एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे हम कितना यूनिट में बटे हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ है सरना आदिवासी भाई बहन, कृष्ण है कृष्ण, हम लोग एक हैं, यही एकता हम लोग आज दिखा रहे हैं और नाचते झूमते हुए एकता का संदेश दे रहे हैं। आज पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग हर जगह हर क्षेत्र से मिले हैं, रासायनिक मार्केट से शुरू करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी लोयला मैदान है, वहाँ पर हम लोग सबको मिलकर एक राउंड का नाचेंगे। लेकिन दीदी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आदिवासी शुरू से जंगल जमीन की रक्षा करता है, लेकिन अब वो बचता नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के आप लोग लगातार आवाज उठा रहे, तो उससे लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे आप लोग? देखिए, जल जमीन जंगल के लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, जब भी कभी भी कुछ होता है कहीं पे गलत, हर आदिवासी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरता है। सरकार को एक हम लोग संदेश देते हैं कि सरकार आप हमारे लिए कुछ कीजिए, तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि इस तरह का कभी भी होता है घटना तो वो आए एक्शन ले और आदिवासियों के हित में लड़ाई लड़े, हमारे लिए वो करे। और हम लोग इस बात का सूचना देते हैं प्रोटेस्ट करके सड़कों पर आकर, और हम लोग पूरा एकता यूनिटी मिलकर ही कभी भी कोई चीज होता है तो हम लोग यूनिटी दिखाते हैं, चाहे किसी भी समुदाय के। तो
हमारे लिए काम करे और ये सरकार कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। हम चाहेंगे कि हमारे आदिवासी नेता हिम्मत करें। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ हद तक शायद कुछ लोग नाराज है जिनको लगता है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन ये सरकार जब सत्ता में आई बहुत ही गंभीर स्थिति में आई, कोरोना टाइम का पैसा की कमी था लेकिन बहुत हद तक संभाली हुई है और अभी तक काम कर रही है। तो आदिवासी एकता में तो हम तो बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं।